क्या होगा अगर पूरी दुनिया से सभी फोन्स गायब हो जाएंगे तो? एक सेकेंड, जस्ट अमेजिंग। क्या होगा पूरी दुनिया में कितना बड़ा तहलका मचेगा? तो चलिए आइए जानते हैं इस काल्पनिक घटना को कि फोन गायब होने से क्या होगा हमारी दुनिया का। वैसे तो हम सभी जनरली जानते हैं कि आज की दुनिया में फोन्स हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। आजकल फोन हमारी जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है। आप रियलाइज कीजिए कि आप रोज की तरह सुबह सुबह उठते हैं और आपको जस्ट पता चलता है कि पूरी दुनिया से अचानक फोन्स ही गायब हो चुके हैं। आप तो यह सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक्ड में रहोगे कि पूरी दुनिया से अचानक ये फोन्स गायब कैसे हो गए। फिर आपको पता चलता है कि दुनिया में इस बात से तो तहलका मची हुई है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो अपने फोन को अपनी जान से भी ऊपर मानते हैं। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में आधा से अधिक लगभग सभी काम फोन से ही होते हैं। बस इसी चिंता से लोग इधर उधर बस अपने फोन को ही ढूंढने पर लगे होते हैं, लेकिन फोन का कोई पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार फोन गया कहाँ। कई लोग तो यह सोचकर सदमे में थे कि क्या होगा हमारी जिंदगी का, होगा क्या फोन के बिना। धीरे धीरे कई कंपनियां भी अब खत्म होने जा रही थी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी का जो व्यवसाय का साधन होता है वो कहीं ना कहीं फोन या कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ी हुई रहती है। कंपनी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं फोन के थ्रू ही कंपनी ग्राहक से जुड़ी हुई रहती है। इन सभी कारणों से ही कहीं ना कहीं कंपनी खत्म हो रही होती है। दो तीन दिन बाद अब ये स्थिति बहुत ही गंभीर हो ही जा रही थी। को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। इस सिचुएशन में आप किसी भी दोस्तों के साथ चैट, रिश्तेदार से बात भी नहीं कर पा रहे होते हो। सभी की जिंदगी में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया था। साइंटिस्ट यह पता लगा रहे थे कि अचानक दुनिया से फोन गायब हुई तो कैसे। कुछ दिन बाद 80% लोग अब बेरोजगार हो रहे होते हैं सिर्फ एक फोन के बिना। 10 साल के बाद अब पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। साइंटिस्ट फिर से एक फोन से भी अच्छा यंत्र का आविष्कार कर चुके थे। अब सब ठीक हो गया था, लोग फिर से फोन का उपयोग कर पा रहे थे। रिलैक्स दोस्तों, क्योंकि यह एक काल्पनिक कहानी थी। अगर ऐसे भी आप अंधाधुंध फोन का उपयोग करोगे तो यह हकीकत में भी हो सकती है। इसलिए संभल के दोस्तों फोन का उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपके काम आए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मनोरंजन पर्पस के लिए फोन का उपयोग ना करें। आप सीमित समय के लिए फोन का उपयोग मनोरंजन पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो कौन देखेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर आ ही गए हो, वीडियो को देख लिए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नीचे कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।